आपके साथ मैं रश गौरी खबर की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करने जा रहे हैं जो इस वक्त दंतेवाड़ा से मिल रही है। सड़क निर्माण में काम देखने गए दो सब इंजीनियर एक मुंशी अरनपुर इलाके से अगवा कर लिए गए हैं। मुलेर की तरफ से सड़क बनना था, 12 घंटे से ऊपर वक्त हो चुका है। तीनों नक्सलियों के चुंगल में बताए जाते हैं, नक्सलियों ने इनको का अपहरण किया है। पुलिस विभाग को अब तक खबर नहीं लगी है, मलगीर एरिया के नक्सलियों ने इनको बंधक बनाया है। एलेक्स पॉल मेनन जो कलेक्टर थे उनको भी नक्सलियों ने बंधक बनाया था। उसके बाद कड़ी मशक्कत के बाद जब कई दौर की वार्ता की गई तब एलेक्स पॉल मेनन को नक्सलियों ने रिहा किया था। और अब जिस तरह से यहां पर दो सब इंजीनियर और एक मुंशी को अगवा किया है, लगता है एक बार फिर से इतिहास को दोहराया जा रहा है। अब देखने वाली बात यह है कि यहाँ पे पुलिस जवानों को और पुलिस विभाग को तो खबर ही नहीं लगी कि तीन लोगों का नक्सलियों ने अपहरण कर लिया है। मलंगीर एरिया के नक्सलियों ने बंधक बनाया है। पंकज सिंह भदौरिया ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन से जुड़ गए हैं। पंकज, एक बार फिर से नक्सलियों ने उसी वारदात को अंजाम दिया है जो आज से कई साल पहले एक कलेक्टर एलेक्स पॉल मेनन को का अपहरण किया था, और इस मरतबा दो सब इंजीनियर और एक मुंशी का अपहरण। बिल्कुल सही है कि नक्सलियों ने बड़ी घटना को अंजाम देते हुए दो सब इंजीनियर और एक मुंशी का अपहरण कर लिया है। ये घटना पूरी अरनपुर इलाके के नहाड़ी ककाड़ी के जंगलों की बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि पीएमजीएसवाई से एक सड़क बनने वाली थी जो अरनपुर से होते हुए मुलेर को जाने वाली थी। इसी को देखने के लिए पीएमजीएसवाई के एक सब इंजीनियर अरुण बरावी और एक कुआकोंडा के टेक्निकल सहायक है, जनपद में कार्य करते हैं, मोहन बघेल नाम है, वो गए हुए थे। साथ में एक उनके साथ मुंशी था। तीनों को नक्सलियों ने बंधक बनाया है। बंधक बनाने के बाद बुरगुम इलाके की ओर लेकर के निकले हुए हैं और 12 घंटे से ऊपर का वक्त बीत गया है। पुलिस को इस बात की अब तक इन्फॉर्मेशन भी नहीं थी। हमारी बात हैरत की बात है कि मीडिया में खबर आ गई तब पूरे क्षेत्र में ये खबर जंगल में आग की तरह फैल गई, लेकिन पुलिस विभाग को जानकारी ही नहीं मिली। मतलब क्या कर रहा है पुलिस विभाग, क्या कर रहे हैं जवान? हमारी बात दंतेवाड़ा एसपी से हुई थी इस मामले को लेकर के। अब से ठीक एक घंटे पहले हमने लगाया था, पूछा था कि सब इस तरीके की खबर आ रही है, तो उन्होंने कहा था कि अब तक थाने में कोई एफआईआर नहीं आई है। जबकि ये बात बिल्कुल सही है कि मीडिया में पूरी बात आग की तरीके से फैल गई है, सभी चैनलों में ये बात चल रही है। तो अब निश्चित तौर है कि मीडिया पर आ गई तो अब पुलिस को खबर हो गई होगी और अब कोई ना कोई एक्शन लेगी पुलिस इस पर। शुक्रिया जानकारी के लिए आपका। तो इसी बीच एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे और ये भी खबर मऊ